जिला परिषद सदस्य यारानुल हक उर्फ गोलू ने तेज की चुनावी दौड़ा, क्षेत्र के लोगों का मिल रहा है पूरा समर्थन। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन चुनाव के चौथे चरण में साहिबगंज सदर प्रखंड के भाग संख्या 1 से जिला परिषद पद के प्रत्याशी मोहम्मद यारानुल हक उर्फ गोले की निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से चुनाव चिन्ह प्राप्त होने के बाद से ही पूरे क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया एवं लोगों से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान प्रत्याशी से बात करने पर उन्होंने बताया कि अगर इस बार क्षेत्र की जनता उन्हें सेवा करने का मौका देती हो तो ग्रामीण क्षेत्र लाल बथानी किशन प्रसाद मखमलपुर के दियारा इलाके में हाई स्कूल नहीं रहने के कारण गांव के बच्चों को 12 से 15 किलोमीटर की दूरी तय कर शहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, जहां उनका प्रयास होगा कि गांव के बीच में एक हाई स्कूल का निर्माण अपने स्तर से कराया जाए ताकि गांव के बच्चों को गांव में ही उच्च शिक्षा मिल सके। वहीं ग्रामीण इलाकों में उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की उपस्थिति सप्ताह में एक दिन एवं दवा की उपलब्धता कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं महादेवगंज से लेकर मिर्जा चौकी नेशनल हाईवे सड़क पर उड़ रहे धूलकण से निजात दिलाने के लिए 2 पानी टैंकर वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही उन्होंने यह कहा कि किसान भाइयों को समय पर बीज खाद एवं अन्य जरूरी सहायता एवं समस्याओं को दूर किया जाएगा। उधर उन्होंने यह भी बताया कि लोगों का अपार समर्थन इस बार मिल रहा है, लोग बदलाव चाहते हैं, जिसको लेकर ग्रामीण भारी संख्या में इनको जीत दिलाने की एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। कारू नाम गोले के नाम से लोग हमको ज्यादा लोग जानते हैं, गोले के नाम से हम चर्चित है। पंचायत चुनाव हमारा यह तीसरा बार है, अगले बार भी हम चुनाव जीते थे और इस बार भी मैदान में हैं। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है, क्षेत्र में जो समस्या है उनको समाप्त करना है और विकास के मुद्दा को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं, लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है और लोग हम पर विश्वास कर रही है और हम चुनाव जीतने की ओर हैं। सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हर प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, इसमें कहीं किसी से हमारी लड़ाई व्यक्तिगत किसी से है नहीं, हमारी लड़ाई मुद्दे की लड़ाई है। हम मुद्दा को लेके चुनाव में हैं, मुद्दा है विकास का, हर वर्ग के लोगों का विकास करना है और हमारे प्रति सभी वर्ग का प्यार है, सभी वर्ग का समर्थन है और विकास हमारा मुद्दा है, विकास को लेकर ही हम चुनाव में हैं। हमारे घोषणा पत्र में भी है, हमारे घोषणा पत्र हमारा कल तैयार हुआ है, हम घोषणा पत्र में भी 6 मुद्दों का हम उठाए हैं। सबसे पहला मुद्दा उठाए हैं छोटी कोदरना और बड़ी कोदरना के बीच में हाई स्कूल है जो बड़ी कोदरना में है, मुद्दा उठाए हैं हाई स्कूल का लाल बथानी मखमलपुर किशन प्रसाद और मुसहरी के बीच एक भी हाई स्कूल नहीं है, वहाँ हाई स्कूल बनवाने का हमने लोगों से वादा किया है और हमारे घोषणा पत्र में भी है। वहाँ गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर साहेबगंज की दूरी है, गरीब तबके का बच्चा लोग वहाँ जाने में पढ़ने में बहुत उन लोगों को दिक्कत होगा। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि लाल बथानी में हाई स्कूल होना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो हमारा है गांव में, दूसरा मुद्दा हमारा ये है ब्लॉक जाते हैं काम उम करवाने के लिए, उन लोगों को सुविधा वहाँ नहीं मिलती है। साहिबगंज से संवाददाता आलोक कुमार की रिपोर्ट।